सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को बेल बटन के साथ ताकि आप तक नोटिफिकेशन आए वीडियोस की आज हम आपको शेषनाटिक्का स्वरूप बनाना सिखाएंगे यहाँ पर हम हाँ आप देख रहे हैं तार का इस्तेमाल कर रहे हैं फ्लेक्सिबल वायर और एक प्लास्टिक बैग रखा हुआ है और ये कुछ प्लायर जिससे हम जो हमारे पास ये तार है इसको कट करेंगे ये फ्लैक् ईजिली फ्लैक्सीबल आपकी जो है मोल्ड होनी चाहिए जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं अगर थोड़ी हार्ड है तो आप जो प्लायर है स्मॉल प्लायर उससे भी बेंड कर सकते हैं तो क्योंकि हम जो आज शेषनाग जी का स्वरूप आपको दिखा रहे हैं वो क्ले से बना रहे हैं मिट्टी से बना रहे हैं तो उसके लिए हमें ये वायर से सपोर्ट बनाना ज़रूरी है लाइक एक स्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी है जिसके थ्रू हम उसे खड़ा रख सकते हैं जैसा कि जो हम बड़ा शेषनाग जी बना रहे हैं तो ये देखिए हमने यहाँ पर छः जो पार्ट्स हमने ले लिए हैं तीन साइड्स में रहेंगे और एक मिडल तो हमें टोटल सात बनाने हैं तो जो मिडल वाला है आप थोड़ा सा उसे बड़ा रख सकते हैं हल्का सा अदरवाइज सेम भी रख सकते हैं कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है और एक एक को हम इस तरीके से आप देख रहे हैं ज्वाइन कर रहे हैं बाय जस्ट रोटेटिंग दैम कि एक दूसरे में रोटेट करके और फिर वो एक साथ आप अभी देख रहे हैं कि हमने एक साथ कर दिया था बाद में हम उसे स्कैटर्ड कर देंगे जहाँ जहाँ हमें वो देनी है अब हमारे पास क्ले है तो ये नॉर्मल क्ले बहुत सॉफ्ट हो मतलब बहुत सॉफ़्ट और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए तो हम पहले तो केबल्स को जो है कवर करेंगे रफली कवर करेंगे थोड़ा एक एडूकटिव अमाउंट का जो है क्ले लेकर और फिर आप धीरे धीरे आप देखेंगे जो हमने पेटल्स टाइप जो फन बनाए हुए हैं उनको भी हम एक एक करके कवर करेंगे क्ले से ही हमें केयरफुली करना है ताकि वायर विजिबल ना हो इस तरीके से हमें क्ले को लगाना है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आई वुड से कि थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि हमारे एक व्यूवर की रिक्वेस्ट थी कि उन्हें शेषनाग जी की वीडियो देखनी है बहुत टाइम से महीनों से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं के शेषनाग जी कैरिंग आर्थ तो हम कोशिश कर रहे हैं हमने फॉयल से भी आपको दिखाया हुआ है कि शेषनाग जी इजीली आप कैसे बना सकते हैं वो हमारा आप देखेंगे कि हमने वीडियो में दिखाया हुआ जिसमें बाल कृष्णा एंड वासुदेव जी दिखाए हुए हैं तो अगर आपको इसमें दिक्कत आए तो वो वाला भी ट्राई कर सकते हैं बट ये भी ट्राई करना बिल्कुल बनता है क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर है बट इम्पॉसिबल नहीं है जैसे कि आप देख रहे हैं मैं भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम बना रही हूँ आप ही के सामने तो क्ले को हम इस तरीके से फ्लैट कट कर, कटे जाएंगे एक बार हमारा स्ट्रक्चर जब रेडी हो जाए तो हम पानी लेकर अपनी सर्फेसेस जो हमारी सर्फेस है उसको स्मूथ कर लेंगे तो आप देख रहे हैं हल्के हाथ से मैं पानी लगाती जा रही हूँ और सरफेस जो है उसको स्मूथ कर रही हूँ ऐसा कुछ यहाँ पे टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हाथ से ही हम सारा काम कर रहे हैं तो जैसा भी आप देख रहे हैं शेषनाग और स्नेक के उसमें रहता है तो हम उस तरीके से ऐसे आकार और शेप दे रहे हैं हालांकि मैं फो, मुझे तो स्नेक से बहुत फोबिया है मैं टीवी पर भी नहीं देख पाती हूँ और स्टिल मैंने चैलेंज लिया है कि मैं आपको शेषनाग जी बनाकर दिखा रही हूँ तो आई होप आप पसंद करें हमारी वीडियो को जो हम बना रहे हैं और फ्रेंड्स अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हम बता दें आपको बहुत सी वीडियोस हमने डॉल से रिलेटेड जिन जिनमें हमने भगवान का स्वरूप दिया हुआ है उनकी वीडियोस बनाई हुई हैं तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या सबसे पहला जो कमेंट है उसमें आप देख सकते हैं लिंक हम डाल देंगे तो सारी वीडियोज़ आपको वहाँ मिल जाएंगी तो ये देखिए हम एक एक पार्ट जो है बहुत टेल ये जो रहती है स्नेक की वो एक लंबी इतनी बनानी एक बार में थोड़ा मुश्किल रहता है तो मैं थोड़े पार्ट्स में उनको बनाकर ज्वाइन कर रही हूँ और मुझे ये कुछ इस तरीके से दिखाना है कि शेषना खड़े हुए हैं फन लेकर और नीचे का पार्ट बैठा हुआ है तो उस तरीके से दिखाने के लिए मैं यहाँ पर लंबी सी टेल दिखाऊंगी दो तीन लेयर्स में आपको तो पहले हम एक लेयर बना रहे हैं ये लेयर हम टॉप बना रहे हैं ताकि जिसमें जो टेल पार्ट है वो दिखा दें और फिर और लेकर एक एक करके हम इस तरीके से पानी के साथ चिपकाते जाएंगे तो जो दूस, ये दूसरी लेयर है ये थोड़ी हैवी रहेगी मीन्स थोड़ी थिकनेस में मोटी रहेगी और एक और लेयर भी हम इसमें लगा सकते हैं जैसा कि आपको चाहिए अब आप देखिए मैंने गत्ते का टुकड़ा लिया हुआ है जैसे इन्विटेशन कार्ड जिससे होते हैं उससे ये इम्प्रेशन देने के लिए जो कि आ, स्नेक्स में रहते हैं थोड़ा डिज़ाइनिंग देने के लिए भी तो आप भी इस तरीके से दे सकते हैं तो ये दो लेयर्स मुझे थोड़ा कम लग रही हैं तो मैं आप देखिए यहाँ पर एक और लेयर लगा दूँगी तो वो एक अच्छा सा जो है रोल हो जाएगा और ये ढक्कन जो है स्केच पेंस के ढक्कन होते हैं उससे भी इंप्रेशन डाल सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये इस तरीके से हमें बनाना है तो क्योंकि ऊपर वाला जो फन है वो थोड़ा हैवी है तो इसके लिए हम एक और लेयर यहाँ पर लगा रहे हैं अगर आप छोटे साइज का बना रहे हैं तो दो भी ठीक है क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ हैवीनेस तो हम तीन लेयर यहाँ पर बना देंगे और इसे अच्छी तरीके से हम ड्राई होने देंगे और नीचे का पार्ट आप देख रहे हैं फिल कर दिया हमने क्ले डालकर ताकि उसे सपोर्ट मिले वो गिर ना जाए तो बहुत केयरफुली हम इसे ड्राई भी कर लेंगे ये देखिए यहाँ ड्राई हो चुका है यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर में थोड़ा वाइट कलर मिला लिया है आप चाहें तो इसमें वाटर कलर एक्रेलिक कलर कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं एक्रेलिक से एक थोड़ी अच्छी सी शाइन आती है तो यहाँ पर मैं एक्रेलिक कलर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ तो ग्रेश कलर थोड़ा डार्क ग्रे है तो पूरा ऑल ओवर हम इसी से कर देंगे जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम स्किन कलर हमने बनाया हुआ है ये कैसे बनाते हैं इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे तो आप स्किन कलर भी घर पे बना सकते हैं प्राइमरी कलर्स के इस्तेमाल से ही तो क्योंकि आपने देखा होगा कि स्नैक्स के इनसाइड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है कहीं बार ग्रेइश सिल्वरिश दिखाते हैं या थोड़ा स्किन कलर में दिखाते हैं तो मैं यहाँ पे स्किन कलर का थोड़ा शेड दिखा रही हूँ करना आप देखेंगे कि ड्राई होने के बाद थोड़ा थोड़ा क्रैक्स आ, आ गए थे तो हम उसको फिल कर सकते हैं क्ले लेकर या पानी का हाथ लगाकर, तो मैंने वो नहीं किया है तो आप देख रहे हैं आपको नज़र आ रहा होगा तो आपको उस बात का ध्यान रखना है कि आपको जब ड्राई करने के लिए रखेंगे तो ऐसी जगह पे रखें कि स्ट्रेच ना हो आपका क्ले तो उसकी वजह से क्रैक आ जाता है तो ये एक्सपीरियंस मैंने भी किया है क्योंकि मैंने भी पहली बार बनाया है तो आपको ये एक्सपीरियंस ना करना पड़े तो आप उसका ध्यान रखें इन साइड पार्ट सारा हम ये इसी कलर से कर रहे हैं जिससे कि एक अच्छी सी वो आ जाएगी और अब आइज़ हम बना रहे हैं वाइट कलर लेकर सारे जो हमारे फन हैं इनमें लगा देंगे आइज़ एक एक करके डॉट लगा देंगे इसे ड्राई होने देंगे आप देखेंगे अब हम अर्थ बना रहे हैं तो मैंने एक बॉल ले ली है बॉल पर ब्लू कलर कर दिया है और क्योंकि क्ले के ऊपर बहुत हैवी हम क्ले की ही बॉल नहीं रख सकते वो उससे ज़्यादा उसके ऊपर वेट आ जाएगा तो हम बॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत लाइटिंग वेट और यहाँ पर शेड देने के लिए हम मार्कर का इस्तेमाल कर लेंगे और इससे हम एक और एक पैटर्न दे, दे देंगे अपने शेषनाग में तो वो बहुत सुंदर लगेगा आई I मीन mean, अच्छा रियलिस्टिक लुक देगा तो इसके लिए और ये पेपर नॉर्मल पेपर है रेड कलर का तो इससे हम आप देखेंगे कि जो स्नेक्स की जो टंग होती है या जिससे भी वो बाइट करता है वो हम यहाँ पर पार्ट बना रहे हैं तो रेड कलर से पेपर से ही कर रहे हैं फ्रेंड्स अगर आप हमारी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को बेल बटन के साथ जो कि बिल्कुल फ्री है और अब हम यहाँ पर अर्थ को यहाँ पर स्टिक कर देंगे ग्लू लगाकर आप चाहें तो फॉइल से भी ऐसे अर्थ बना सकते हैं रोल बनाकर उसे टिश्यू से रैप करके पर बॉल इज़ वेरी इजीली आपको मिल जाती है और लाइटिंग वेट होती है थैंक यू सो मच फॉर